नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेल स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.6 का। आई थिंक वो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अगर नहीं है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट है। ठीक है, अब इस वीडियो में बच्चे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बच्चा हमें करना क्या है इन क्वेश्चन में, हमें ना प्रॉब्लम्स में इन प्रॉब्लम्स को देख करके हमें इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। देखो बच्चे, बस लो क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो बच्चे, एक एग्जांपल हमने किया था, 19 एग्जांपल हमने किया था, तो हमने यहां पर देखा था। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जैसे विद द फ्लो ऑफ वाटर, ये जो आपका वाटर का फ्लो अगर सपोज किस डायरेक्शन में है, ठीक है, और रितु भी इसी डायरेक्शन में रोइंग कर रही है, ठीक है, तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली बात है क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें, अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है अगर जो है वाटर का फ्लो इस तरफ है आपका, ठीक है, और रितु जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, रोइंग कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है जो उसकी स्पीड होगी रोइंग करने की वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से बच्चा आपने क्या करना है, उसकी रोइंग की आपने स्पीड निकालनी है और स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रीम की आपने स्पीड फाइंड आउट करनी, यानी कि करंट जो वाटर का जो फ्लो है उसकी स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। देखो जी, पहले तो हम एज्यूम करेंगे लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम स्पीड को मान लेते हैं रोइंग करने की एक्स किलोमीटर पर आवर मानते हैं, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी वाई किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम जो है वाटर के फ्लो की स्पीड को अगर हम एक वाई किलोमीटर पर आवर मान लें, तो इससे क्या होगा बच्चे, देखो फॉर डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी रितु की स्पीड, फॉर डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड आपकी हो जाएगी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और फॉर अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा आपका, स्पीड जो है थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी ना, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर, ठीक है, जो रोइंग की स्पीड होगी उसमें से अगर हम वाटर की स्पीड को डिक्रीज कर देंगे तो वो आपकी अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी रोइंग। इट्स क्लियर? ओके, अब अच्छा आपको गिवन क्या है, आपको टाइम मेंशन है कि रितु जब डाउनस्ट्रीम जाती 20 किलोमीटर तो 2 घंटे लगते हैं, अगर वो अपस्ट्रीम जाती 4 किलोमीटर तो उसके 2 घंटे लगते हैं, तो बताइए कि स्पीड क्या होगी रोइंग की और वाटर करंट की। ठीक है, आपको टाइमिंग गिवन है तो बच्चा आप करेंगे डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे, आपको पता है टाइम इज गिवन अप बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू, हमें क्या गिवन है बच्चे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये तो आपको समझ में आएगा, उसको मिटा देते हैं ना, वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए क्लास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, जब वो अपस्ट्रीम जाती है रितु अपस्ट्रीम रोइंग करती है तो टाइम लगता है कितना, 2 आवर्स लगता है, तो अपस्ट्रीम कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितनी हो जाएगी एक्स प्लस वाई और टाइम इक्वल्स टू आपका 2 है ना, ये तो था टाइम है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से हमें कंक्लूजन ये मिलता है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यू विल गेट 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 20, देन यू विल गेट x प्लस y equals to 10. Let it be a question number 1. Okay, students, check it out. कोई दिक्कत है आता तो? देखो ना क्लियर है ना बच्चे? देखो यहाँ पर 2 क्या था आपको कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। इट्स क्लियर, राइट। अब बच्चे क्या गिवन है, 4 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जाती है तो उसको 2 घंटे लगते हैं, तो हमें क्या गिवन, डिस्टेंस गिवन है 4 किलोमीटर और स्पीड है आपकी एक्स माइनस वाई, टाइम इज गिवन 2 किलोमीटर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यू विल गेट 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4. From here you will get x minus y is equals to 2. Let it be equation number 2. और जब क्लियर कैसा है बच्चे आपका, तो यहाँ पर क्लियर है, आपको आपने कहा 2 को कॉमन लेके राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया। Is it clear to all? देख लीजिए बच्चे कंफ्यूजन है तो यहाँ पर आते हैं। देखो
ठीक है बच्चे। देखो दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे जो इक्वेशंस बन गए, एक तो बन गया x plus y equals to 10, एक हमारी बन गया x minus y equals to 2। अब आई एक काम करिए बच्चे, आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। एक काम करिए दोनों इक्वेशन को ऐड करिए और एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व आउट करिए। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, एक तो आ गया x plus y equals to 10, एक आ गई हमारी x minus y equals to 2। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट करेंगे, तो एक काम करते हैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। एडिंग equation number 1 and 2, we get, देखिए हमें क्या मिलेगा यहां से, x plus y plus x minus y equals to 10 plus 2, y y cancel आसा आपका, 2x equals to 12, that means x is equals to 12 by 2, that is equals to 6, ठीक है सुन सी क्लियर आपको, ठीक है। तो यहां से आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब आप एक काम करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में आप किसी में पुट कीजिए, वहां से आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, देख लो इक्वेशन नंबर 1 के आपके x plus 10 है, तो उसमें आप इस पुट करेंगे इस वैल्यू को, आपको क्या मिलेगा, देखो x के प्लेस में आप लिखेंगे 6 plus y equals to 10, then you will get y is equals to 10 minus 6, ठीक क्लास। और इसको आगे अगर हम कंटिन्यू करें यहां पर, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, y is equals to 4, okay students, is it clear, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 6 आ गई और y की वैल्यू आपकी 4 आ गई, ठीक है। और x क्या था बच्ची, x था रोइंग की स्पीड थी, ठीक है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, और y क्या था आपका, स्पीड ऑफ वाटर करंट, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कीजिए, फ्राई कंटिन्यू करते हैं, तो आपने ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा है, देखिए क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां तक तो बात क्लियर होगी, ठीक है। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू कितना आपका, 6 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, 6 किलोमीटर पर आवर तो रोइंग की स्पीड है, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ करंट दैट इज द फ्लो ऑफ वाटर इक्वल्स टू आपका आ गया 4 किलोमीटर पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके जरूर जाएं, ठीक है बच्चे। तो बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट जाइन, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।